गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज का एक नया वीडियो आपके लिए, वो भी स्नो में से, शिमला से, हिमाचल प्रदेश से, जो है शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी। आज का वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको देखने मिलने वाला है पूरा स्नो ही स्नो। अभी नीचे से पूरा रास्ता बंद कर दिया है उन्होंने, अभी कोई भी गाड़ी ऊपर कुफरी की तरफ नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, दिन हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9। मैं अभी पूरी तरह से फ्रेश हो चुका हूँ, मस्त अभी एकदम गर्मा गर्म पानी से नहाया मैंने। और क्लाइमेट भी बहुत ही क्लाउडी है बाहर का दोस्तों। अभी फ़िलहाल का टेम्परेचर है -2। जी हाँ, -2 टेम्परेचर अभी का है दोस्तों। आज अभी जाने का है अपने को कुफरी जाते समय पहले जाकू टेम्पल जाएंगे, जाकू टेम्पल के बाद कुफरी जाएंगे, और कुफरी के यहाँ स्नो पॉइंट है, वो स्नो का मज़ा लेंगे। मैंने अंदर एक टी शर्ट पहना है, उसके ऊपर स्वेटर पहना है और ऊपर से एक जैकेट पहना है। और अभी साथ में मुझे एक अम्ब्रेला लेना पड़ेगा क्योंकि बाहर बारिश है। मैंने साथ में रेन शीटर भी लाया है, ज़ोर से अगर बारिश होता है तो वो मेरे को यूज़ होगा। आप देख सकते हैं पूरे मुंह से धुआं ही धुआं निकल रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे दोस्तों, लेकिन इस ठंड में घूमने का मज़ा कुछ और ही है दोस्तों। आप देख सकते हैं बारिश भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है यहाँ पे, इसके लिए ठंड भी ज़्यादा हो गई है। टेम्परेचर फ़िलहाल -2 में चला गया है यहाँ का, फिर भी कुछ दिक्कत नहीं, हम तो घूमने के लिए आए हैं तो घूम के रहेंगे और घूमने के लिए ही जाएंगे। तो चलिए घूमेंगे आज स्नो पॉइंट। देखिए बारिश अभी मुंह पे भी आ रहा है। तो आज का ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको दिखने वाला है पूरा स्नो ही स्नो कुफरी में। गाइस, अभी निकल चुके हैं होटल से और आगे की साइड अपनी कैब वेट कर रही है अपना। तो चलते हैं और कैब में बैठते हैं। अपने दोस्त लोग भी रेडी हो चुके हैं पूरी तरह से, आप देख सकते हैं पीछे। गाइस रेडी? यस रेडी। जय हिंद। तो चलिए, -1 में रेडी है हम लोग। ओमकार कुछ बात करना चाहता है। -1 में रेडी है हम लोग, माइनस ठंडी और उसमें बारिश पहली बार हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। -1 है अभी टेम्परेचर गाइस अभी का। तो चलिए, अच्छा है, सब कुछ एंजॉय करने का मौका मिल रहा है यहाँ पे। चलते हैं और कैब में बैठते अभी और घूमते हैं स्नो पॉइंट कुफरी। दोस्तों, अभी फिलहाल गाड़ी में तो बैठ गए और निकल पड़ते हैं जाकू टेम्पल की ओर। और हमारे साथ आज ड्राइव कर रहे हैं विनोद जी। विनोद जी वेलकम। तो विनोद जी, क्या क्या आज प्लेसेस कवर करेंगे? कुफरी करेंगे भैया। विनोद जी को थोड़ा ठंड लग रहा है इसके कारण। कुफरी करेंगे, ग्रीन वैली ऑन द वे, ग्रीन वैली करेंगे, जाकू टेम्पल करेंगे। आज पूरा दिन मजा करने वाले हैं। जाकू टेम्पल में स्नो गिर चुका है। दोस्तों, अभी जाकू टेम्पल पहुंच गए हैं। अगर आप गाड़ी से आते हो तो गाड़ी ऊपर तक आता है, आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ता यहाँ पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जाकू टेम्पल है, सीढ़ी है, जिस सीढ़ी से ऊपर जाना है अपने को। एक और बात का यहाँ पे ख्याल रखने का दोस्तों, कि यहाँ पे मंकीज बहुत होते हैं, तो आपके पास जो भी सामान है उसका थोड़ा ख्याल रखिए, अंदर रखिए और संभाल के जाइए और एंजॉय कीजिए, दर्शन कीजिए यहाँ पे। अभी तो स्नो फॉल हुआ है, देखते हैं वहाँ पे कितना स्नो अपने को देखने को मिलता है।
तो चलिए ऊपर दर्शन करते हैं हनुमान जी का। दर्शन बड़े आराम से हो गया है दोस्तों। अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं था, इसके लिए मैं आपको अंदर का जो हनुमान जी का मूर्ति था वो नहीं दिखा पाया। लेकिन आप जब भी आओगे ज़रूर दर्शन कीजिए, जाखू टेम्पल में आइए, आपको बहुत शांत लगेगा यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर विंटर में आते हो तो यहाँ पे पूरा स्नो ही स्नो मिलेगा, लाइव स्नो भी मिल सकता है। अभी तो मैं आया हूँ, मुझे कल रात को ही यहाँ पे स्नो बहुत सारा हो गया है, बारिश भी हो गया उसके साथ। तो अभी आपको यहाँ पे स्नो जो घिरा हुआ है वो आपको दिखाता हूँ, आप एंजॉय कीजिए। दोस्तों ये देखिए, जाखू टेम्पल में भी आपको बर्फ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे टूरिस्ट लोगों ने कुछ ना कुछ बना के रखा है बर्फ में, याद में। लेकिन ज़्यादा नहीं है बर्फ यहाँ पे, लेकिन थोड़ा बहुत बर्फ अपने को देखने मिला यहाँ पे। इसके लिए बहुत बहुत अच्छा लगा दोस्तों कि यहाँ पे भी बर्फ देखने मिल गया है। अभी तो कुफरी जाएंगे, कुफरी में तो इससे ज़्यादा बर्फ गिर चुका है और कुफरी में मजा लेंगे बर्फ का पूरा। यहाँ पे बहुत ही बड़ा हनुमान जी का स्टैचू आपको दिखेगा, आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल पीछे, बहुत ही बड़ा हनुमान जी का स्टैचू यहाँ पे बनाया है। तो जब भी आओगे दर्शन ज़रूर कीजिए, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए अभी निकलते हैं कुफरी के लिए और देखते हैं बहुत सारा स्नो और आज का दिन एंजॉय करते हैं। ठंड भी बहुत है यहाँ पे। चलिए फटाफट बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं कुफरी की ओर। दोस्तों जिस चीज के लिए यहाँ पे आए थे स्नो वो भी मिल गया है, आप देख सकते हैं पूरा स्नो ही स्नो चारों तरफ। एक्चुअली अभी कुफरी जाना है, लेकिन कुफरी के लिए ऊपर का जो रास्ता है वो बंद है। इसके लिए ऊपर सिर्फ 4x4 जो गाड़ी रहता है वही जा रहा है, तो सोचते हैं कि 4x4 से ऊपर जाएंगे। उसके लिए थोड़ा अलग से चार्ज अपने को पे करना पड़ेगा दोस्तों। तो देखते हैं, अभी डिसाइड करते हैं कि ऊपर जाना है कि नहीं जाना है। और जो गाड़ी हम लोग ने शिमला से किया था कैब, वो यहाँ तक ही इसके ऊपर नहीं जा रहा है। दोस्तों स्नो का मज़ा बहुत ही ज़बरदस्त, यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा स्नो लाइव वो भी। दोस्तों ये देखिए, सब गाड़ियाँ स्नो से पूरी तरह से पैक हो गई है, पूरी तरह से ढक गई है गाड़ियाँ स्नो की। छाता भी ले लिया मैंने साथ में, मुंबई से ही मैंने छाता अपने साथ लेकर आया था दोस्तों, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे बहुत सारा स्नो मिलने वाला है, इसके कारण छाता साथ में रखा है। रेन शीटर भी मैं साथ में लेकर आया हूँ। पूरा जो
हिमाचल प्रदेश का देवभूमि शिमला है पूरी तरह से स्नो से वाइट वाइट हो चुका है दोस्तों। जब भी आओगे स्नो का मजा जरूर लीजिए, आपको बहुत बहुत जबरदस्त मजा आएगा। अभी ये जो नीचे से ऊपर 7 किलोमीटर जाना है 4x4 से, एक्चुअली इसका जो चार्जेस था वो था 2,500 रुपया पर पर्सन। इसके साथ 4x4 मिलेगा अपने को, 4x4 से ऊपर लेके जाएंगे कुफरी पॉइंट तक। इसमें कॉम्बो है, अपने को पूरा स्नो ड्रेस मिलेगा, उसके साथ शू मिलेगा, ऊपर स्कीइंग करने को मिलेगा और आना जाना 4x4 से जिसमें इंक्लूड है दोस्तों। बहुत ही अच्छा डील अपने को मिल गया है, 2,500 उन्होंने बोला था लेकिन थोड़ा बार्गेन किया तो 2,200 में मान गए और अभी वो ऊपर जा रहा हूँ मैं। तो चलिए और देखते हैं ऊपर का मज़ा। सांस फूल रहा है अभी मेरा क्योंकि थोड़ा यहाँ पे ऊपर चढ़ने को लग रहा है। अभी मेन जो कुफरी का ग्राउंड है वहाँ पे अपने को जाने का है दोस्तों। और एक इम्पोर्टेंट चीज, हम लोग बहुत लकी है क्योंकि अभी नीचे से पूरा रास्ता बंद कर दिया है उन्होंने, अभी कोई भी गाड़ी ऊपर कुफरी की तरफ नहीं आ रही है, तो बहुत ही लकी है हम कि ऊपर तक आ चुके हैं। आप देख सकते हैं पूरा बर्फी बर्फ सब जगह पे व्हाइट चादर स्नो की, पूरा ये जो पीछे देख रहे हैं पूरा के पूरा व्हाइट वैली हो गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे पूरी तरह चारों ओर बर्फ ही बर्फ, और ये साइड में देखोगे तो पूरा आपको कोहरा ही कोहरा दिखेगा, पूरे आसमान में बादल पूरे नीचे आ गए दोस्तों। आप देख सकते हैं पूरे बादल नीचे आ गए। और आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, आप जब भी स्नो में आओगे तो आपके साथ एक स्पेक ज़रूर कैरी कीजिए क्योंकि स्नो पूरी तरह से व्हाइट होता है तो आपकी आंखों को कुछ तकलीफ ना हो, इसके लिए स्पेक साथ में कैरी कीजिए। और ये सारे स्नो का मज़ा लीजिए यहाँ पे क्योंकि यही तो दिन होते हैं विंटर के, आपको स्नो मिलने वाले दिन होते हैं और वो भी हिमाचल में आपको स्नो, शिमला हो मनाली हो कई बार भी आपको स्नो मिल जाएगा। पे आते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी करने को मिलेगा, स्कीइंग हो गया, टब एक्टिविटी हो गया, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ ये जो स्नो वाले कपड़े मैंने पहने हुए हैं वो ज़रूर पहनिए क्योंकि बहुत सारा स्नो होता है, आपके कपड़े गीले हो सकते हैं, उसको ठंड पकड़ सकती है, इसके लिए ये जो स्नो वाले कपड़े हैं वो ज़रूर पहनिए। इसका रेंट होता है, वो रेंट आपको देना पड़ता है, साथ में ग्लव्स भी लाइए, ये प्लास्टिक के ऊपर से अंदर से अपना ऊल रहता है उसके अंदर। आप अगर स्नो हाथ में पकड़ते हो तो आपको
गीला नहीं पड़ने लगता है। उसके बाद जूते भी साथ में रखिए, स्नो वाले जूते आपको नीचे रेंट पे मिल जाएंगे दोस्तों। तो ज़रूर आइए, ज़रूर प्लान बनाइए कुफरी शिमला घूमने का, वो भी विंटर में, और ये सारा बर्फ एंजॉय कीजिए। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because बहुत ही ज़बरदस्त आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्नो में। एक नंबर दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए आपकी कमेंट्स, क्योंकि लाइव स्नो विथ ज़बरदस्त एक्टिविटी और स्नोफॉल यहाँ पे देखने को मिल गया है अपने को, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आ गया है। आप मेरी चारों तरफ देख सकते हैं, बहुत ही पब्लिक कम है यहाँ पे आज के दिन, क्योंकि बहुत लोगों को नीचे ही रुकवा दिया है। और अपना नसीब अच्छा कि अपने को ऊपर छोड़ दिया है उन्होंने, और पूरी तरह से एंजॉय हम लोग ने यहाँ पे कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं अब हूँ विंटर्स स्पेशल ट्रिप पे, और इस ट्रिप में आपको बहुत सारी विंटर स्पेशल चीज़ दिखने को मिलने वाली है, जैसे कि बर्फ अभी मिल गया आपको। तो फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।